दिव्यलोक से संदेश प्रिय मालिक पूज्य बाबूजी महाराज। गुरुवार 9 दिसंबर 1993 शाम 7 बजे सफाई के उपरांत। माध्यम पूछते हैं, प्रिय बाबूजी मुझे अपने साथ ले लीजिए, तुम्हारी बेटियों का अभी भी तुम्हारी जरूरत है। रात्रि 9 बजे लोरेन के लिए संदेश के बारे में। माध्यम पूछती है, बाबूजी क्या मैं गलत तो नहीं थी? बिल्कुल नहीं, चिंता मत करो। लोगों को जो करना चाहते हैं करने दो, लोगों को जो कहना चाहते हैं कहने दो। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि हम संचार करते हैं, यह आज की बात नहीं है और यह उनके आश्चर्यचकित होने का अंत नहीं है। पार्थसारथी सबसे पहले होंगे। तुम ईमानदार हो और तुम मुझसे निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हो। पार्थसारथी अपनी पत्नी के लिए चिंतित है और यह स्वाभाविक है। माध्यम पूछते हैं, मेरे प्रिय बाबूजी यहाँ पर वास्तविकता में क्या यह आप हैं? तुम अच्छी तरह से जानती हो हमारे दो हृदय एक जैसे हैं। स्टेनिसलास के फोन की वजह से संदेश अवरुद्ध हुआ, जिसने अन्य विषयों के दौरान मुझे डेनमार्क की यात्रा के बारे में आश्वस्त किया और कहा कि चिंता मत करो क्योंकि सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाबूजी जो अभी भी मौजूद है समापन करते हैं। यह फोन एक उद्देश्य से किया गया था, तुम उन पर भरोसा कर सकती हो, सब कुछ ठीक होगा बाबूजी। रविवार 26 दिसंबर 1993 डेनमार्क। सिल्केबोर्ग के होटल में सुबह के ध्यान के दौरान। माध्यम कहते हैं, बाबूजी मैं आगे से आपकी बात नहीं सुनूंगी, ऐसी यात्रा बहुत कठिन होती है। मैंने अभ्यासियों तक पहुंचने के लिए अथक परिश्रम किया है। माध्यम कहती है, हाँ लेकिन आपके साथ एक शक्तिशाली इंसान थे पार्थसारथी, जबकि क्रिस्टीन मेरे सामान ढोने में खुद को मिटा रही है। लेकिन तुम्हें वैसे ही करना चाहिए जैसे मैं करता था, भार रहित यात्रा बाबूजी। उन्होंने एक बड़ी मुस्कान दी और अपने हाथों को हिलाया। बुधवार 29 दिसंबर 1993 डेनमार्क। रात्रि 9 बजे की प्रार्थना। माध्यम पूछती है, बाबूजी क्या मैं जाकर मालिक से मिला हूँ? हाँ कल शाम 4 बजे बाबूजी। गुरुवार 30 दिसंबर 1993 डेनमार्क। सुबह के ध्यान के बाद पेट्रिक मुझसे कहते हैं, मालिक तुम्हारा शाम 4 बजे इंतजार करेंगे। यह उस बात का पुष्टिकरण है जो बाबूजी ने पिछले दिन बताई थी। शाम 4 बजे मालिक के साथ बातचीत हुई, उसके बाद उन्होंने मुझे सीटिंग का प्रस्ताव दिया। वह यह नहीं समझ पा रहे थे कि मेरे प्रशिक्षक को हर हफ्ते सीटिंग देने के लिए उनसे अनुमति क्यों चाहिए। शाम 6 बजे मैंने ध्यान के लिए नहीं जाने का निर्णय लिया, मैं भोजनालय में ही रही और वहीं पर ध्यान किया। शाम 5:50 मालिक के लिए बाबूजी का संदेश। निकट भविष्य में तुम्हें मिशन का पुनर्गठन करना होगा। विश्व में बहुत हालात बदलेंगे और लोग सामना करेंगे। भारत इस बड़ी उथल पुथल में एक भूमिका निभाएगा। आध्यात्मिकता मानवता को बचाएगी। चिंता मत करो, बुरी ताकतें परास्त हो जाएंगी। इस नववर्ष के उदय पर उसके लिए प्रार्थना करो, मेरे प्रिय पुत्र तुम धन्य हो बाबूजी।